इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर के प्लस, रेट में कम क्वालिटी में दम। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स एसोसिएशन का विरोध लगातार जारी है। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब इंदौर में एक महिला ने सीएम शिवराज का काफिला रोककर निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की गुहार लगाई। महिला का कहना था कि स्कूल संचालक लगातार फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं सारे इंदौर के एक पेरेंट्स होने के नाते सभी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो फीस का मुद्दा है, प्लीज सर इसको सॉल्व कर स्कूल में। आज मुझे 3 घंटे हुए, मैं ये अग्रवाल पब्लिक के बाहर खड़ी हुई हूँ, मतलब हमें गेट के अंदर तक नहीं घुसने देते हैं, और आप इस मुद्दे को उठाइए सर प्लीज, कि ये जो फीस इधर इंदौर में भी पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार विरोध जाहिर कर रहा है। इंदौर के रीगल तिराहे पर पालकों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जाहिर किया। पेरेंट्स की नाराजगी के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को तलब किया और स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए। नीतिगत फैसला हम लोग यहाँ करेंगे। आजकल मैं ध्यान निर्देश दे रहा हूँ कि ऊट पटांग अनाप शनाप बड़ी हुई फीस वसूल नहीं कर सकते, और उसके लिए एक्ट बनाने की भी तैयारी है, उस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन त्वरित रूप से उनका जरूर देख लेना। बहरहाल सीएम के निर्देशों के बाद अब अधिकारी किस तरह से स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसते हैं, यह देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।